पिछली वीडियो ट्रैक च आप देखा सी कि आप पहुँच चुके हैं मनीकरण। आज सामने जिहड़ी बिल्डिंग सानू दिखाई दे रही है मनीकरण साहब की धर्मशाला है, तो नाल ही जिहड़ा गुरद्वारा साहब बनया होया है। इस गुरद्वारे बारे दो कहानियां बहुत प्रचलित ने। एक तो यह कि इत्थे गुरु नानक देव जी ते मरदाना जी इत्थे पहुँचे सन, तो दूसरी जिहड़ा शिवजी ते पार्वती दे नाल है मंदिर जिहड़ा इत्थे शिवजी का बनया होया उन्हां चीज़ां करके। तो दोनों कहानियां का अलग अलग मीनिंग अलग अलग मतलब है। पहली कहानी मैं तुहानूं बाबा नानक ते मरदाने वाली सुनाउणा कि जदों गुरु नानक देव जी ते मरदाना इत्थे पहुँचे तो मरदाने नूं बहुत भुख लगी हुई सी। उन्हां कोल थोड़ा जिहा आटा तां सीगा पर ना उन्हां कोल अग मचाउण वास्ते कोई बालण सीगा ते ना ही कोई रोटी दा होर कितों उन्हां वास्ते प्रबंध हो सकिया। इस करके बाबे नानक नूं बेनती करदे ने कि बाबा नानक जी कुछ करो। तो बाबे नानक ने जो देखा कि नेड़े एक जिहड़ा पत्थर सी, भाई मरदाना नूं कहा कि मरदानिया पत्थर हटा। जदों उन्होंने पत्थर हटाया तो थल्लों जिहड़ा गर्म पानी का चश्मा जिहड़ा फुट आया, तो मरदाने ने जिहड़ा उन्हां कोल थोड़ा जिहा आटा सी उह सारियां रोटियां थप थप के जां बना बना के उहदे विच उन्होंने पा दित्तियां। जदों उहदे विच भाई मरदाने ने जिहड़ा अपना आटे दी रोटी बना बना के पानी विच तारियां तां उह देख के हैरान हो गए कि सारियां रोटियां सी जिहड़ियां उह पानी दे विच डुब गईआं। तो मरदाना जी बड़े चिंतित होए, उन्होंने नानक नूं कहा कि बाबा जी जिहड़ा अपने कोल थोड़ा बहुत आटा सी उह भी चला गया, हुण की करांगे। बाबा नानक कहिंदे फिकर ना कर, तू पहलां एक गल दस कि अपने मन दे विच इक सुख सुख कि इन्हां रोटियां दे विच उस परमात्मा दे नाम दी रोटी भी आपां कढ़ांगे, जिहनूं असीं आम भाषा दे विच कह सकदे कि दसवां दसौंध कढ़ांगे। तो भाई मरदाने ने जदों अपने मन च इस तरह धारिया तो सारिया रोटियां जिहड़ियां उस गर्म पानी के चश्मे विचों फुल के रड़ के बाहर आ गईआं। इस तरह उन्होंने अपनी भुख है जिहड़ी मिटाई। इस गुरद्वारे की विशेषता यह है कि जदों असीं जिथे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ या गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित ने उत्थे यह देख के बड़ी हैरानी होंदी है कि उस दरबार साहब के विच बहुत सारिया जिहड़ियां फोटोआं ने तस्वीरां लगियां होईआं ने ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀਆਂ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐੱਮ ਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੀਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਗੁਫਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
वह एक किलोमीटर दे जा अद्धे किलोमीटर दे रकबे दे विच फैली हुई है। उत्थे रोज़मर्रा दा जिहड़ा समान है जिंदगी दा जा सिख धर्म दे नाल संबंधित जिहड़े जिवें कड़ा है, कृपाना ने, रुमाला साहब ने, इस तरह दी चीज़ां तुहानूं उत्थे मिल जांदियां ने। इस शिवजी दे मंदर दी जिहड़ी विशेषता यह है कि इहदे नाल भी एक जिहड़ी कहानी जुड़ी हुई है जिहदा जिक्र मैं पिछे कीता सी कि एक वारी जदों शिव ते पार्वती इत्थे जल क्रीड़ा कर रहे सन, नहा रहे सन, इशनान कर रहे सी, उदों उन्हां दे कन्न दी जिहड़ी मणि सी उह पाणी दे विच डिग पई। तो जदों उन्होंने लभण की कोशिश की, बड़ी कोशिश की, पर ना लभी ना। जदों शिवजी ने तीजा नेत्र खोलिया तो तीजा नेत्र खोलन तो बाद जिहड़ी उन्होंने नेत्र दे विचों माता पैदा हुई उन्हों का नाम सीगा नैणा देवी। नैणा देवी दा जिहड़ा इतिहास है वह भी इस गुरद्वारे नाल इस मंदिर दे नाल जुड़िया होया है। तो जदों नैणा देवी नूं पता लग्या कि पार्वती की जिहड़ी मणि है वह खोई गई है तो उन्हें पता लगाया अपनी शक्तियों के नाल कि जिहड़ी वह मणि है वह शेषनाग कोल चली गई। तो नैणा देवी ने फिर शेषनाग नूं कहा कि भाई जिहड़ी तेरी जिहड़ी मणि पार्वती दी डिग पई सी वह उन्हां नूं वापस कर दे। तां जिहड़ा शेषनाग ने जिहड़ा अपने फुंकारे दे नाल बहुत सारियां मणियां बाहर जिहड़ियां पत्तन ते लिया धरियां ते जिन्हां दे विच पार्वती दी जिहड़ी मणि सी वह भी उत्थे सीगी। तो इस करके कहते फुंकारे दे नाल जिहड़ा इत्थों पानी निकलिया वह भी एक तरह का गर्म चश्मे का पानी सी, उहदे नाल भी कहानी जुड़ी जाती है। तो माँ पार्वती ने अपनी जिहड़ी मणि रख के बाकी दी सारी मणियां फिर पानी च बहातियां ते इस करके इस जगह का नाँ जिहड़ा वह मणिकर्ण पै गया। ये दो कहानियां गुरु नानक देव ते शिवजी वालियां इस थान दे नाल जुड़ियां हुई ने। एक जी अगली विशेषता मैं गुरुद्वारे तुहानूं दसी सी कि इस गुरुद्वारे का जिहड़ा लंगर 24 घंटे चलता है वह इस मंदिर वाले पासे जदों तुसीं देखोगे इत्थे आके तां वड्डे वड्डे पतीलियां दे विच लंगर पा के जिवें आ दिखाई दे रहा सानूं राजमां ने चौल ने वह इन्हां उपल दे गर्म पानी दे विच पा के चौल उन्हां दी सफाई करके उत्तों कपड़े नाल बन्न के उन्हां नूं तां इस पानी दे विच डेग दित्ते जांदे ने, उत्ते इट्टां दा भार रख दित्ता जांदा है तां कि जिहड़ा लंगर है वह बन सके। तो इस पानी दे विच गुरद्वारे का सारा लंगर है जिहड़ा वह तैयार हुंदा है। इस करके क्यों इस करके लंगर दी जिहड़ा स्वाद है वह भी बड़ा अलौकिक जिहा है, बड़ा स्वादला हुंदा है। जे तुहानूं कदे मौका लगे तां तुसीं इस थां दे उत्ते जरूर आयो। तो जदों इस बाज़ार के असं लंघ के वापस जाने बाज़ार अखीर के जाके एक पुरातन प्राचीन मंदिर भी दिखाई देगा शिवजी का मन राम जी का मंदिर। उस राम जी के मंदिर के सामने एक बहुत पुराना जिहड़ा एक तरह का गड्ढा या एक तरह का रथ पिया होया है उस रथ की भी अपनी एक कहानी है कि वह बहुत पुराना है तो वो राम जी किसी वेले चल के इतने आए सन। उसका जिक्र आप किसी और वीडियो करांगे। जे तुहानूं ये वीडियो पसंद आई होवे शेयर करे, इनू लाइक करो, मेरा पेज लाइक करो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।